दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि छोटे बच्चे उनके आसपास रखी चीजों को अपने मुंह में क्यों डाल लेते हैं, और ऐसा कौन सा धातु है जिसके संपर्क में आते ही बैक्टीरिया मर जाते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा धातु है जिसके संपर्क में आते ही बैक्टीरिया मर जाते हैं? उस धातु का नाम है तांबा। दोस्तों, सभी धातुओं में से तांबा ही एकलौता ऐसा धातु है जिसके संपर्क में आते ही बैक्टीरिया 1 या 2 घंटे में मर जाते हैं। नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते हो कि दुनिया का सबसे आम उत्पादन वाला देश कौन सा है? उस देश का नाम है भारत। हाँ दोस्तों, हमारे भारत में ही दुनिया के 50% से ज्यादा आम उगाए जाते हैं। नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा विदेशी लोग अमेरिका में बसे हुए हैं? अमेरिका में तकरीबन 48 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से आकर बसे हुए हैं। नंबर 4, हमारे बचपन के शुरुआती सालों में हमारा बचपन कैसा था वह हमें याद नहीं रहता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस उम्र में हमारे मस्तिष्क के हिप्पोकैम्पस जैसे पार्ट पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते, और मस्तिष्क की यही पार्ट है किसी चीज़ को याद रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए हमें हमारा बचपन याद नहीं रहता। नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि उत्तर अमेरिका के तानाशाह किंग जॉन अपने पिताजी और दादाजी की लाशों को आज भी संभाल रखते हैं, और इन लाशों को संभालने के पीछे वे हर साल लगभग 1,41,00,000 रुपये खर्च करते हैं। नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे एक्टिव मांसपेशियाँ कौन सी है? वे मांसपेशियाँ हैं आँखों की मांसपेशियाँ, जो लगातार हमारी आँखों की मूवमेंट को एडजस्ट करती रहती है। नंबर 1, छोटे बच्चे उनके आसपास रखी चीज़ों को उनके मुँह में क्यों रखते हैं? वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करके वे नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं। छोटे बच्चे चीज़ों को मुंह में रखकर उसका स्वाद और बनावट कैसी है उसके बारे में महसूस करते हैं। बच्चे चीज़ों को देखकर, छूकर और उन्हें मुंह में रखकर उसके बारे में सीखते हैं। और दूसरा कारण यह भी है कि बच्चों के नए दांत विकसित हो रहे तब भी वे ऐसा करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।